अरे सर, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मांझी जी हैं, ये 2 दिवसीय दौरा पे दुमका आए हुए हैं। दुमका से इनका खास लगाव रहा है, ये उनका राजनीतिक कर्मभूमि भी रहा है। जिस तरह से आप यहाँ कार्यक्रम में आए हैं और सरकार के ऊपर जो कल आपने हमला बोला, बहुत तरह के आरोप लगे, जब धनबाद SP के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, गोड्डा रूपा तिर्की के मामले में, क्या लगता है कहाँ कमी रह गई सरकार, क्या नहीं कर सक रही है? देखिए, पहली बात तो मैंने आरोप कुछ हम लगाते नहीं किसी के ऊपर। सरकार की जो नाकामी होती है, जो घटनाएं घट रही है, हमने उसी बात को जनता के समझ रखा। क्योंकि आजकल आप सब लोगों को पता है कि अखबार वगैरह बिल्कुल लोकलाइज हो गई। अगर पलामू में कोई घटना घटती है तो संथाल परगने के लोगों को नहीं पता। संथाल परगने में कोई भी घटना घटेगी तो फिर दुमका क्या कहते हैं पलामू को, रांची के लोगों को नहीं पता। तो हमारे जैसे व्यक्ति का काम क्या होता है कि भाई लोगों के यहाँ तक बातों को पहुँचाना, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। तो कल भी मैंने उसी बात को रखा था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है राज्य में, चाहे वो दुमका हो, चाहे देवघर हो, साहेबगंज हो या पलामू हो, सभी जगहों पर लगता है एक प्रकार से आतंक का राज्य। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और राज्य के जो पुलिस है वो पार्टी के यानी 6 MM के टूल के रूप में लोग काम कर रहे हैं, वो टूल बन रहे हैं। और उसका कई उदाहरण मैंने कहा कि यहाँ कभी मैंने कहा, कल एक महिला आई थी रामगढ़ से, उनके साथ मार्च में बलात्कार होता है, फिर मेडिकल भी हो जाता है, 164 में बयान भी हो जाता है, और कल आकर के बताती कि अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं। एक तो बच्चे की हत्या हुई, उसमें भी वो लोग SP के यहाँ धरना नहीं देते तो शायद लाश भी नहीं बरामद होता। तो ऐसे अनेकों घटनाएं हैं, उसी में से मैंने पलामू की घटना भी मैंने उल्लेख किया। भाई जिस बूढ़े माँ बाप के बिहार से छत्तीसगढ़ गए थे, छत्तीसगढ़ से लौट रहे थे, उनका अपहरण होता है, 60 लाख रुपया की मांग हो जाती है, पल पल की सूचना वहाँ के SP को लोग, परिवार के लोग सूचना दे रहे हैं, मामला 10 लाख में फाइनल होता है, पुलिस के पूरे टीम के साथ 10 लाख रुपया अपराधी को पहुँचाया भी जाता है, दिया भी जाता है, लेके फरार हो जाता है अपराधी। अपहरित जो व्यक्ति है मुझे वो उसका आज तक बरामदगी नहीं हुई, ड्राइवर की बरामदगी नहीं हुई, अपराधी नहीं पकड़ा है। आप सोच सकते हो क्या हालत है। और वैसे पुलिस पदाधिकारी को वहाँ पलामू से हटा करके फिर SP बना दिया है धनबाद, जहाँ पर जज की हत्या होती है। तो मैंने इसी बात को कहा कि हमने कोई आरोप नहीं लगाया, मेरा स्वभाव में नहीं किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, जो सच्चाई है। तो हमने कहा कि प्रशासन से भी मैंने कहा कि पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उसको किसी भी पार्टी का कोई टूल नहीं बनना है। लेकिन टूल के रूप में अगर काम करेंगे तो मैंने इसी बात को कहा कि फिर सत्ता तो आती और जाती है, आज इनकी सरकार है, कल और आने वाले कल में और किसी की सरकार हो, तो उस समय तक के लिए भी लोग तैयार रहे। जिस दिन सत्ता बदलेगी, जो पुलिस ऑफिसर टूल के रूप में काम कर रहा है, तो फिर वैसे लोगों के ऊपर सारे मामलों की जांच करा देंगे। हम बात कर रहे हैं कि दुमका से जो भागलपुर जाने का रास्ता है उस पर 1.5 साल से लोग नहीं गए हैं, दुमका देवघर रोड लगाता था, दुमका का जो विकास कार्य आप अपने समय भी अब दुमका में देखे हैं, अब देख रहे हैं, क्या नज़र, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? देखिए, फ़र्क नज़र तो मैं तो कल जाने वाला हूँ, सर लोग डरा रहे हैं कि देवघर जाएंगे, लोग बोला कि आपको शायद 2 घंटे से अधिक लग जाएगा। और जो मैं सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है सुन करके, चूंकि हम संथाल परगना दुमका जो हम आए थे, संभवतः 83 में हम आए थे, और उस समय से लेकर 2000 अलग झारखंड राज बना और उसके बाद मैं सब जगह गर्व के साथ कहता था कि भाई एक सड़कें अच्छी रहती है किसी भी मौसम में, वो दुमका से देवघर। और सावन में पूरा महीना बिजली दुमका और देवघर में ही सड़क में बहुत ही अच्छी होती थी। मैं इसको देश में कहीं भी जाता था और झारखंड में भी मैं इस बात को चर्चा करता था। लेकिन अब क्या दिखाई पड़ता है, अब जो लोग सुना रहे हैं
किमी सड़कों की जो हालत है। बाकी सर तो अखबार में भी शायद आज ना कल हम देखे थे कि मोटरसाइकिल से भी बाइक से भी लोग जाते हैं तो सुरक्षित पहुंच गए तो समझिए बड़ा गनीमत है, यानी कितनी खराब होगी सड़कें इससे अंदाज लगा सकते। और सरकार को कोई चिंता नहीं है इसकी, नई सड़क ठीक। सरकार इसलिए नहीं चिंता करती है कि भाई शिवू सोरेन के परिवार है, अब उसको कोई चिंता नहीं है कि संथाल परगना का विकास हो, संथाल परगना की लोगों के जीवन में खुशहाली आवे, यहाँ तरक्की हो, यहाँ की लोगों की तकलीफ है वो कम हो, बल्कि और बढ़ती जा रही है। आज तो वास्तव में शिवू सोरेन के परिवार जो संथाल परगना आ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमने पता करे कि ये लोग करते क्या है। तो लोगों ने कहा कि वसूली के लिए लोग आते हैं, कुछ नहीं है। तो जहाँ पूरे जो शिवू सोरेन के जो परिवार है, अब जब वसूली का एक प्रकार से गैंग लोगों ने तैयार कर रखा है संथाल परगना जगह जगह पर, जैसे हम लोग फिल्म में देखते थे ना कि दादा पहुंचते हैं, गुंडा पहुंचते हैं, उसके जो आका होते हैं, फिर अमुक मार्केट से अमुक से क्या क्या पैसा हुआ, फिर एक एक करके। जब सरकार शुरू किए थे हेमंत सोरेन, तब सीता सोरेन और लोबिन हेमरम ये लोग विरोध कर रहे थे किसी किसी मुद्दे पे। हाँ, उस समय लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि उस समय उन लोगों को हिस्सा नहीं मिल रहा था। अब उसमें से बांट दिया सुनते हैं कि भाई चलो तुम भी विरोध मत करो, ये तुम यहाँ ले लो, इस घाट यहाँ रह गएगा। हमको तो कल शाम में कुछ लोग आकर के बता रहे थे, खास करके जहाँ लोबिन ने विरोध किया था, सरकारी पदाधिकारी हमें बता रहे थे कि जब विरोध हुआ उस समय तो सीसीटीवी कैमरा खूब बन लगा हुआ, कोई दूसरा आदमी हमको नहीं बताया, सरकारी पदाधिकारी बताया जो उस क्षेत्र में काम करते हैं। उन्हें बोला कि सर उस समय तो ऐसा लगा कि आप तो सब कुछ फेयर होने वाला है, लेकिन पता नहीं फिर कहाँ सीसीटीवी कैमरा गायब हो गया और कहाँ उसका, मैंने आप तो ऑन ही नहीं होता है, अब फिर से जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलता है। हमने कहा कि मामला क्या हो, बोला कि नहीं जो विरोध कर रहा था उनको भी उस गैंग में मिला लिया लोगों। जी हम बाबूलाल मांडी जी से बात कर रहे थे, अब से ये कुछ थोड़ी ही देर में जाएंगे सत्याग्रह स्थल पर फूलो झानो चौक, वहाँ पर अपनी बात आम लोगों को रखेंगे जिन्होंने बेघात तरीके से दुमका जी सर को, दुमका की राजनीतिक स्थिति पे और झारखंड में भ्रष्टाचार पे बात किया। अब देखना होगा सरकार इस आंदोलन को किस तरह से लेती है। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।